नमस्कार जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डॉक्टर सुरेश अगेन ऑन द 25th ऑफ अक्टूबर टॉकिंग टू यू फॉर जस्ट अ मिनट। आज बात करेंगे टाइफाइड फीवर की, क्योंकि आजकल टाइफाइड और डेंगू दोनों फैले हुए हैं और मोस्टली लोगों को 70% लोग जो मैंने देखे हैं उनको टाइफाइड भी और डेंगू भी दोनों पॉजिटिव हैं। वो एक डेंजरस सा कम्बिनेशन होता है, घबराना नहीं होता, लेकिन टेस्ट जब करने एक पॉजिटिव आ जाए तो ये नहीं सोचना दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट दोनों ही करने हैं। टाइफाइड के लिए टाइफी डॉट विडाल टेस्ट नहीं, टाइफी डॉट टाइफाइड के लिए, और डेंगू के लिए डेंगू का टाइफी डॉट की तरह ही टेस्ट आता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट वो डेंगू के लिए। जहाँ तक टाइफाइड की बात है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, लेकिन जाती जो है ये गंदे हाथों से या गंदी आदतों से। जैसे कोई अच्छी तरह नहाता ना हो, हाथ ना धोता हो खाने से पहले, तो जब वो खाना बांटेगा तो उसके खाने में या उसकी प्लेट के द्वारा या उसके कप या ग्लास के द्वारा हाथ लगाया उसमें तो दूसरे को जा सकता है। ये तभी होता है अक्सर जब आप बाहर होटलों में खाना खाते हैं या वहाँ पे पानी पीते हैं, पानी से, दूध से और इन चीज़ों से, खाने की चीज़ों के द्वारा टाइफाइड आपको पहुँचता है, और उसके लिए आपको उसके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं कम से कम 10 दिन, और उसकी इरेडिकेशन के लिए ताकि आप कैरियर न बने तो 5 दिन और दवाई लेनी पड़ती है 10 दिन के बाद। डॉक्टर को मिलें, उससे ये व्याख्यान करें कि आप इसकी क्योर तो करना ही चाहते हैं लेकिन इरेडिकेशन भी करना चाहते हैं, ताकि आगे के लिए आप कैरियर ना बने। इसके लिए आप खुद पूछेंगे तो डॉक्टर शायद सोचने लग पड़े, अदरवाइज अक्सर मेरे जैसे डॉक्टर परवाह नहीं मांगते, क्योंकि मरीज तो तुम हो, मैं तो नहीं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू गाइस।